रुक रुक रुक, मैं थोड़ा बोल देता हूँ, रुक बे, रुक रुक रुक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तन्मय, स्वागत करता हूँ मेरा इस यूट्यूब चैनल तन्मय सेल्फ केशन को। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं एक बढ़िया सा चीज़ आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो आप जो मशीन देख रही है ना, वो जो एंगल ग्राइंडर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं अमेजन से खरीद कर लाया था। तो उसी चीज़ को मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। वो जो मशीन का मैं बात कर रहा हूँ, आप वायरिंग वाला है तो आप वो घर में वायरिंग कर रहे हैं, वो कुछ कटिंग करना चाहते हो, तो उसी मशीन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में एक साल पहले मैं एक वीडियो डाला था, वो जो मार्बल कटर का वीडियो, तो उसी वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसका दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तरह बहुत सारा वीडियो मैं इस चैनल में लेके आने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, कैसे तरह ये मशीन काम करे और उसका अनबॉक्सिंग करके सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इसको मैं खोल देता हूँ। खोलने के बाद आपको इसका अंदर कैसे तरह पैकिंग होके आता है और उसका डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। तो उसको पहले खोल देता हूँ, बहुत ही सावधानी से आपको ऐसे खोलना होगा। तो ये कार्टून को वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से काटिए, और दूसरे वाला इसको रिसाइकल भी आप कर सकते हो इस कार्टून को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा जो आता है उसका जो मैनुफिस्ट आता है, ऐसे तरह आपको दिखेगा, टोटल बिल के साथ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे सब कुछ वगैरह दिया हुआ है, कितना प्राइस पड़ा था सब कुछ, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद ये जो इसका पैकिंग जो होके आता है, देखिए इसके थोड़ा कार्टून की कटिंग करके यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये आने से समय कोई भी दिक्कत ना आए और ये मशीन का ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े, इसी तरह ये आ गया है। तो ये देखिए, इसको पहले खोल देता हूँ मैं। तो बहुत ही बढ़िया सा पैकिंग होके आता है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद ये आपको मिल जाएगा, ये आपका मशीन आएगा। तो ये देखिए आ गया, उसका नीचे भी उसी तरह एक कार्टून पैटर्न है, क्योंकि आने के समय मान लो कि ये जो पैकिंग आके कोरियर में आता है तो ये कहाँ से भी ये ठुकरा कर ये भी खराब हो सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पैकिंग करके दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये चला गया। तो ये हो गया हमारा मशीन। तो यहाँ पे देखिए आईबल एंगल ग्राइंडर जो होता है, तो देखिए उसका पहले रेटिंग में बता देता हूँ। इसका जो मशीन आएगा, मशीन का जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वो तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, 220 वोल्ट एससी और 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी। तो उसका जो इनपुट पावर, मतलब ये कितने वाट ये लेगा, ये 850 वाट ये लेगा, हमारा जो पावर लेगा। तो इसका जो नो लोड स्पीड, मतलब आप जो काम करने के पहले जो घुमाते हैं उसका स्विच को ऑन करते हैं, तो उसी का जो स्पीड होता है 11000 आरपीएम, मतलब रिजोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक ही मिनट में ये जो 11000 बार ये घूमेगा इसको डिस्क का जो मोटर होता है। तो उसका जो मैक्सिमम डिस्क की डायमीटर, मतलब इसका जो डिस्क देगा कटिंग करने के लिए कि वॉशिंग करने के लिए, जो भी कुछ आपको डिस्क देगा, ये 100 mm का वो बीट रहेगा। तो उसका नीचे भी दिया हुआ है, तो पहले खोल देता हूँ। तो आपको ऐसे तरह मिलेगा दोस्तों। तो ये उसका मैनुअल जो होता है, तो कैसे तरह आपको यूज करेंगे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसको खोलने से पहले और एक बात करना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल को जाइए, पहले एक साल पहले मैं जो बात कर रहा था, एक उसी तरह एक मार्बल कटर लिया था, वो भी आईबल कंपनी का, ये वाला जो होता है। तो देखिए इसका भी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, वो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पा जाओगे। ये मेरा एक साल हो गया है, बहुत ही वायरिंग जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही यूज हो रहा है, तो वो अभी तक खराब नहीं हुआ है। तो उसी के जरिए मैं आईबल यहाँ पे ले आया हूँ उसका एंगल ग्राइंडर, क्योंकि मुझे आईबल कंपनी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, ये जो मार्बल कटर मैं बात कर रहा था, देखिए ये वाला जो मार्बल कटर है, तो बहुत ही काम में लग गया है। तो ये भी आपका आईबल कंपनी, देखिए ये मेरा आईबल कंपनी का था। तो ये मैं एंगल ग्राइंडर भी इसी तरह ले रहा हूँ। तो इसको आप मार्बल भी कटिंग कर सकते हो, वुड और बहुत सारा चीज आप कटिंग कर सकते हो। तो ये वाला भी ले सकते हो, और ये वाला एंगल ग्राइंडर भी आप ले सकते हो। तो देखिए इसका अंदर ऐसे तरह आपको मिलेगा। तो उसी का अंदर ये जो मशीन, देखिए पहले खोल देता हूँ।
तो ये इस तरह पैकिंग हो जाता है वो मशीन। तो देखिए अच्छे से, देखिए मेरा एंगल ग्राइंडर चला गया और ये उसका जो हैंडल आता है, दूसरे वाला हैंडल, और इसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, तो वाशर ड्राइवर इसको बोल सकते हो। तो ये है, इसका अंदर एक बीट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये आपका सैंड पेपर का बीट है। तो ये लकड़ी वगैरह जो भी कुछ आपको फिनिशिंग करना होगा कि अच्छे से वाशिंग करना होगा, तो ये आपको यूज कर सकते हो, ये इसका फ्री दिया हुआ है। तो उसके बाद इसका जो मशीन का जो पकड़ने के लिए जो दिया हुआ है होल्डर जैसा, ये आपको मिल जाएगा ये हैंडल। और ये इसका जो, ये आपको एक गार्ड मिलेगा, मतलब ये जो सेफ्टी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह आपको लगाएंगे तो आपका जो, मान लो कि आप मेटल कटने समय उसका जो आग निकल रहा है, तो वो आपका बॉडी में नहीं आएगा, इसलिए ये वाला दिया हुआ है। इसको लगाकर आप कटिंग कर सकते हो, धूल जो भी चीज़ ये यहाँ पे आप दे सकते हो, लगा सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारा जो एंगल ग्राइंडर, इसी तरह आपको दिखिएगा दोस्तों, देखिए ये पकड़ने के लिए भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे इसी तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे जो होल दिया हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये होल्डर देना पड़ेगा। तो हैंडल इसको ऐसे तरह फिट कर दीजिए तो आपका एंगल ग्राइंडर भी ऐसे तरह रह जाएगा। तो आपको ऐसे तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ प्रिकॉशन दे बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो कॉर्ड होगा ये 1 मीटर से 1.5 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दिखा रहे तो 850 वाट, तो यहाँ पे इसका सुई जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑन अप करने के लिए यहाँ पे सुई जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो ये जो लॉक दिया हुआ है, देखिए इसको प्रेस करने से बाद आपको यहाँ प्रेस करेंगे और ये हमारा लॉक हो जाएगा। ये जो इसको खोलने के समय हमको अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों मैं किसी तरह खोल रहा हूँ। तो ये तो उसका जो ड्राइवर खोल गया है। तो ये हमारा सैंड पेपर का जो बीट हुआ है। तो आपको मान लो कि आप सैंड कटिंग करना चाहते हो, जो सभी तरह कटिंग करने के लिए सबका बीट आएगा। तो आप मेटल कटना कटिंग करने चाहते हो तो उसके लिए दूसरा वाला बीट, वो मेरे पास अभी नहीं है तो वो ख़त्म हो गया है। तो ये जो हमारा इस बीट के अंदर ही जो डायमंड वाला ब्लेड आता है, तो ये आपको दूसरे वाला बाजार में मिल जाएगा। तो इसका ये जो बीट के जरिए आप मान लो कि आप वायरिंग कर रहे हो, इसी बीट को यूज कर सकते हो। और कंक्रीट कटिंग करने के लिए ये भी यूज कर सकते हो। और उसका जो वुड कटिंग करने के लिए, मान लो कि आप लकड़ी वगैरह काटने के लिए, उसका वाला भी दूसरा वाला ब्लेड होगा। तो यहाँ पे भी साइड में फोटो दिखा रहा हूँ। और ये आपको मान लो कि लकड़ी को फिनिश करना चाहते हो, फिनिशिंग करना चाहते हो, एकदम प्लेन करना चाहते हो, तो ये वाला यूज कर सकते हो। तो सब कुछ वगैरह के लिए आपको डिश देना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कटिंग करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पे इस तरह लगाऊंगा, फिटिंग कर दूंगा। थोड़ा दिन बाद ये वाला लगा दूंगा ऐसे तरह करके। तो देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको तो एक थ्रेड मिल जाएगा पहले से जो लगा कर होता है। तो ये चला गया, आपको डिश की जो भी डिश देना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे तरह दे दीजिए। देने के बाद वो डिश के साथ एक वाशर मिलेगा। तो मान लो कि आपको थ्रेड नहीं लग रहा है तो इसलिए यहाँ पे वाशर दे दीजिए और अच्छे से पकड़ जाएगा। अच्छे से देखिए फिटिंग हो गया है, वो आगे पीछे नहीं होगा। तो उसके बाद आपको इसका ऊपर वाला जो वाशर होता है उसको दे दीजिए। तो ऐसे तरह टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद दोस्तों देखिए, ऐसे तरह आप टाइट करेंगे तो ये डिश के साथ घूमेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये लॉक दिया हुआ है, तो इस लॉक को ऐसे तरह प्रेस कर दीजिए अच्छे से। तो देखिए, तो ऐसे तरह लॉक कर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे लॉक कर देने के बाद ये इनको ऐसे तरह आपको घुमा देगा, जो बीट में लगा दीजिए और अच्छे से इसको टाइट कर दीजिए। तो देखिए मैं लॉक करके यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ, ऐसे तरह टाइट कर दीजिए, ये छोड़ देगा। ऐसे तरह आपको रह जाएगा ये आपका बीट। तो ये तो आपका बीट चला गया। तो ये नॉर्मली भी आपको ऐसे कर सकते हो। तो यदि आप फ्रिक्वेशन वगैरह लेना चाहते हो तो इसको पहले उसका एंगल बीट को पहले लगा दीजिए, उसका जो सेफ्टी के लिए जो दिया हुआ है। तो पहले देखा देता हूँ, ये वाला बीट आपको ऐसे तरह आपको लगा देना चाहिए। तो ऐसे तरह लगा देना चाहिए। तो पहले मैं इंस्ट्रक्शन का बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये मशीन चलाकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये आपका जो वारंटी कार्ड के वगैरह साथ सब कुछ में आया है, कि उसका जो उसका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और कस्टमर केयर का नंबर भी दिया है, टोल फ्री नंबर है आईबल कंपनी का, ये तरह देगा। और उसके बाद इसे इस जो ऑपरेटर्स मैनुअल होता है इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये मशीन चलाइए। तो सब कुछ यहाँ पे उसी तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए ये जो आईबल कंपनी का जो एंगल ग्राइंडर आता है, तो ये हमारा 3 प्रकार का आता है। तो मैं जो ले रहा हूँ ये वाला, देखिए फास्ट वाला जो होता है IBL AG110
10 सतरी का जो होता है ये वाला जो मैं एंगल ग्राइंडर लेकर आया हूँ, तो ऐसे तरह आपको मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों ये वाला दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ये जो सतरी वाला जो लास्ट में सतरी लिखा हुआ है, तो सतरी वाला जो होता है ये वाला, तो यह आपका मिल जाएगा। रेटेड वोल्टेज सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये 850 वाट का, 11,000 RPM का, और ये 1.5 kg के आसपास हो जाएगा। और ये क्लास 2 का जो होता है उसका प्रोटेक्शन क्लास जो होता है क्लास 2 का, तो 72 वाला जो होता है उसका जो वाटेज होता है 1050 जो वाट होता है उसका जो RPM हो जाए 10,500 होता है, तो ये थोड़ा कम RPM में घूमेगा। और ये हमारा जो तीसरे वाला जो होता है 92 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी 850 का होता है, वो 1.5 kg का। ये वाला जो है तीन वाला, ये उसका जो थोड़ा मॉडलिंग अलग सा है, यहाँ पे भी लगा रखा है। और यहाँ पे उसका स्विच जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये स्विच देखा है, ये मेरा एक नंबर वाला जो नीचे में दिया हुआ है, तो ये फ्रंट में दिया हुआ है इसका स्विच, तीन नंबर वाला होते सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखो दोस्तों सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ, और ये जो मशीन का यहाँ पे जो दिया हुआ है कुछ, ये जो हाउसिंग करने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको जो आर्मेचर घूमेगा यहाँ पे उसको थोड़ा एयर चाहिए उसका जो वेंटिलेशन होने के लिए, तो उसके लिए मान लो कि आपका मटर गर्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फिल्टर के साथ दिया हुआ है इसका हाउसिंग। ये काम करने के समय यहाँ पे हाथ मत दीजिए क्योंकि बहुत ही गर्म हो जाए, इसलिए ये मटरों को ठंडी करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह आप काम कर सकते हो, इसी तरह होल्डिंग करके, या इसी तरह भी होल्डिंग कर सकते हो, देखिए तरह मैं जिस तरह दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह भी होल्डिंग करके आप दे सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसी तरह चला गया हमारा ये डिश, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फिर इसका जो गार्ड में इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको इसके लिए हमको एक स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा थ्रेड को मैं ढीले कर देता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा। तो ऐसे तरह रहेगा, देखिए दोस्तों गार्ड में कैसे तरह लगा रखा हूँ। ये लगा देने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह स्क्रू से मदद से ऐसे तरह टाइट कर देना होगा, अच्छे से टाइट कर दिए क्योंकि बाद में नहीं निकल जाएगा इस तरह। तो देखिए ये मेरा टाइट कर दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं बीट दूंगा, तो इस तरह दूंगा बीट। तो ये जो पहला वाला जो पार्ट होता है इसको इस तरह दे दीजिए, ये देखिए लॉक हो गया। उसके बाद ये वाला जो थ्रेड में दिया हूँ, देखिए कैसे तरह दिया हूँ, ये एकदम ये जो 100 mm का जो बीट है, तो यहाँ पे ऐसे तरह दे दूंगा। तो इसका जो बीट आता है 100 mm भी आता है, 102 mm भी आता है, तो आप जिसका जैसे मर्जी है इसी तरह भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे थ्रेड को मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए प्रेस करके मैं यहाँ पे इसको लॉक करूंगा। ये चला गया। और दोस्तों ये और एक बात, इसको चलाने के लिए आपको बच्चा लोग को, आप बच्चा लोग हैं तो इसको मत चलाइए क्योंकि उसका बहुत ही स्पेसिफिकेशन होता है इसको चलाने के लिए, इसको हैंडल धरने के लिए, क्योंकि ये 11,000 RPM में चलेगा तो इसका पहले चलने के समय ये थोड़ा हिल जाएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से पकड़ना होगा इसको, और अब बहुत ही आसानी से बहुत ही सावधानी से इसको पकड़ना होगा। तो मैं पहले यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे तरह चलेगा। तो देखिए दोस्तों, तो पहले यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ उसके बाद मैं चलाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ऑन करूंगा तो ये कैसे तरह चलेगा। इस तरह ये चलेगा, उसके बाद मैं आपको बाहर में जाकर इसका जो लगाकर दिखाऊंगा कैसे तरह ये कटिंग हो रहा है। तो पहले बाहर में जाकर इसको टेस्ट कर देते हैं।
तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और ये मेसिन आपको अच्छा लगा तो एक खरीद कर ले आइए आपके घर के लिए और आपके बहुत ही काम में आने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट इस मेसिन का ऊपर तो नीचे कमेंट में कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ इस जो मेसिन को मैं ऑर्डर करके लाया था उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसी लिंक को जाकर भी आप खरीद सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।